आज से 22 साल पहले एक ट्रेन के डिब्बे को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया, जिसमें 59 हिंदू जलकर राख हो गए थे। मरने वाले उन 59 लोगों में 28 साल का एक बच्चा भी था, जिसकी रूई सीते वहशी भीड़ की उबलती नफरत में भुनकर वाष्प बनकर रह गई। लेकिन देश के बड़े बड़े पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने इन निर्मम हत्याओं को कभी एक्नोलेज तक नहीं किया। बजाय इसके मरने वालों के ही सर पर यह दोष मढ़ दिया गया कि उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा तभी उनके साथ ऐसा हुआ, जैसे अपनी मौत के जिम्मेदार वो खुद थे। हत्यारों को क्रिटिसाइज करने की बजाय मरने वालों पर ही एलिगेशन लगाए गए और उनको बदनाम करने का एक अभियान चला जो आज तक चल रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2002 में घटे उस गोधरा कांड की, जिसका सच वैसा नहीं है जैसा 22 साल से हमारे सामने परोसा जा रहा है। गोधरा कांड के उस कठोर सच को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, आप कुमार श्याम को सुन रहे हैं। 2002 के फरवरी महीने की बात है, जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद नाम के एक संगठन ने यज्ञ का आयोजन किया था। देश भर से हजारों राम सेवक इस पूर्ण आहुति यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। इन राम सेवकों को दरअसल कार सेवक भी कहा जाता है, और कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो धर्म के कार्य में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अयोध्या में हो रहे इस यज्ञ में गुजरात से भी हजारों कार सेवक शामिल हुए थे। फरवरी के आखिर तक इस पूर्णाहुति यज्ञ के समाप्त होने के बाद सारे कार सेवक अपने घरों को लौट रहे थे। इसी तरह 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन चलती है। यह ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस करीब 1700 कार सेवकों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाती है। 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। हालांकि यह ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही थी, उसको करीब 2-3 बजे पहुंच जाना था, लेकिन देरी के कारण यह ट्रेन 7:43 पर पहुंचती है। साबरमती एक्सप्रेस 5 मिनट बाद गोधरा स्टेशन से रवाना हो जाती है। कुछ आध किलोमीटर ही चल पाती है कि गाड़ी की चेन खींच दी जाती है और ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं। गोधरा स्टेशन के पास ही सिग्नल पॉइंट पर ट्रेन रुक जाती है। यह फालिया नाम का इलाका था जो मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ था। तभी करीब 2000 लोगों की भीड़ द्वारा ट्रेन पर हमला हो जाता है। पत्थरों और हथियारों के साथ भीड़ टूट पड़ती है। मुसलमानों की भीड़ ने राम सेवकों को घेर लिया था और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था। बोगी नंबर S6 को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया और बोगी के दरवाजे को बाहर से तार से बांध दिया गया ताकि कार सेवक बाहर ना निकल सके। परंतु पर्टिकुलरली इस S6 बोगी के 4 दरवाजा को बाहर से तार से बांध दिया गया। अच्छा, उस तरफ वो तार कुछ लगा हुआ भी अगर हम दिखाना चाहें एक बार तो। वह बोगी धू धू कर जल उठी, जिसमें 59 हिंदू जलकर राख हो गए, जिनमें आदमियों के अलावा 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे। एक सिर्फ 28 साल का बच्चा था, जिसका रूई सा बदन उस इस्पात के तंदूर में पिघल कर हवा बन गया था। शेष रह गया था बस निशान की यह किसी अत्यंत निर्दोष मासूम का जीवन है जो इस नफरत की आग में भुन गया। इनके अलावा 48 लोग अध जले और जख्मी हो गए। गुजरात पुलिस के ADG ने कहा कि भीड़ पेट्रोल और हथियार लेकर पहले से तैयार थी और ट्रेन के आते ही हमला कर दिया। इस निर्मम हत्याकांड से कुछ लोग सौभाग्य से जिंदा बच गए थे। इनमें से एक 11वीं में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी 2 बहनों और माँ बाप को जिंदा जलते देखा था। इस लड़की का नाम था गायत्री पांचाल। गायत्री के पिता हर्षद भाई, माँ नीता और 2 बहनें प्रतीक्षा और छाया गुजरात से अयोध्या गए थे। इनके साथ 4 लोग और थे जो साथ गए थे, लेकिन वो दूसरे डब्बे में थे। लेकिन जिस डब्बे में गायत्री और उसका परिवार था, वह पूरा का पूरा खत्म हो गया। बची तो सिर्फ गायत्री। गायत्री उस पूरे हत्याकांड की सशमदीद गवाह थी। पूरा माजरा उसकी आंखों के सामने घटा था। गायत्री बताती हैं कि गोधरा स्टेशन से गाड़ी चली तो सारे राम सेवक जोर जोर से राम धुन का जाप कर रहे थे। गाड़ी बेमुश्किल कुछ ही मीटर चली थी कि गाड़ी को रोक दिया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते क्या हुआ था, उन्होंने देखा कि एक भीड़ उनकी ओर आ रही है, जिनके हाथों में भाले, तलवार और घातक हथियार थे और गाड़ी पर पथराव करने लगे। सब डर गए और खुद को बचाने के लिए उन्होंने अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। बाहर वो लोग मारने और काटने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पास ही की एक मस्जिद से लाउड स्पीकर में आवाजें लगाई जा रही थी कि लादेन ना दुश्मना ने मारो।
बाहर से खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर दिया गया ताकि कोई भी जीवित बच न सके। बोगी पेट्रोल से हर तरफ से भीगी हुई थी। गायत्री ने बताया कि वो डरे हुए थे और मदद के लिए किसे पुकारें, लेकिन उनकी मदद करने वाला कौन था। बाद में कुछ पुलिस वालों को डिब्बे की ओर आते देखा था, लेकिन उनको भी भीड़ ने खदेड़ दिया था। डिब्बे में इतना धुआं था कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, अंदर दम घुट रहा था। गायत्री कहती हैं कि वो और एक पूजा नाम की लड़की खिड़की से कूदने में कामयाब रहती हैं। उसके बाद वो जल्दी ट्रेन के नीचे चली गईं और रेंगते हुए ट्रेन की केबिन तक जाने में कामयाब हो गईं। गायत्री ने कहा कि उसने अपने माँ बाप को जिंदा जलते देखा था। गायत्री की यह गवाही इस घटना की ठीक एक दिन बाद यानी 28 फरवरी 2002 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। गायत्री ने कहा था कि मैं अपने परिवार के सदस्यों की लाशें निकालकर यहाँ लौटी हूँ। गायत्री पांचाल की कहानी उन दिनों अनेक अखबारों में छपी थी क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। यह वह दौर था जब कुछ कुछ टीवी चैनल्स आ गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आ गई थी। गोधरा की घटना को पूरा देश घर पर बैठकर लाइव देख रहा था और पूरे देश की हवा बदल गई थी। लेकिन इसके बाद जो बड़े बड़े पत्रकारों और नेताओं का जो गंदा खेल शुरू हुआ, वो सुनकर आप न केवल गुस्से से बल्कि घृणा से भी भर जाएंगे। मारे गए 59 हिंदुओं की जान की कीमत उस भीड़ की पहचान के आगे कुछ नहीं थी। भारत और विदेश में बैठी लिबरल लॉबी ने उस हत्यारी भीड़ की बजाय मारे गए हिंदुओं को ही कोसा कि उन्होंने ही दरअसल इस भीड़ को उकसाया था और ऐसी ऐसी थ्योरियां ईजाद की जिनको आज तक भी यूट्यूबरों और पत्रकारों द्वारा दोहराई जाती है। अब मैं एक एक थ्योरी का पर्दाफाश कर रहा हूँ और उनके पीछे सच क्या था उसकी पड़ताल भी आपके सामने रख रहा हूँ सबूत के साथ। 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार थी। इस कारण गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गोधरा की इस घटना के तुरंत बाद 6 मार्च को गुजरात सरकार ने एक जांच कमीशन बनाया जिसका काम था इस मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट सौंपना। इस कमीशन का जिम्मा केजी शाह को सौंपा गया जो गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। लेकिन केजी शाह को लेकर आरोप लगे कि ये नरेंद्र मोदी के करीबी आदमी हैं, इसलिए जांच की पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस आलोचना के बाद सरकार ने एक ऐसे सदस्य को इस कमीशन में शामिल कर दिया जिससे इस कमीशन की विश्वसनीयता को पुख्ता किया जा सके। वो व्यक्ति थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी। इस कारण इस कमीशन का नाम पड़ा नानावटी शाह कमीशन और ये कमीशन गोधरा कांड की जांच में जुट गया। इधर गोधरा में मरे लोगों का चरित्र हनन शुरू हो गया था। तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो चुके थे ताकि मुसलमानों के सर से ये गुनाह हटाया जा सके, क्योंकि भारत के बुद्धिजीवियों में ये अजीब तरह की हवस है कि वो किसी भी कीमत पर मुसलमानों को बचाने का प्रयास करते हैं, भले उसके लिए उन्हें मरे हुए लोगों का चरित्र हनन करना क्यों न पड़े। इस गोधरा कांड के लगभग एक हफ्ते बाद एक ईमेल सर्कुलेट होने लगा जो एक इस्लामिक वेबसाइट से कॉपी किया गया था। जो वेबसाइट खुद को समाचार पोर्टल बता रही थी, उस ईमेल में क्या लिखा था उसको आप गौर से सुनिएगा। इस ईमेल में कहा गया था कि गोधरा स्टेशन से 75 किलोमीटर पहले दाहोद नाम की जगह से ही लड़ाई शुरू हो गई थी। सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच ट्रेन वहां पर पहुंची थी, जहां कार सेवक चाय नाश्ता करने के लिए उतरे थे। चाय नाश्ता करने के बाद वहां स्टॉल मालिक के साथ कार सेवकों की बहस हो गई थी। उसके बाद कार सेवकों ने उस स्टॉल को तोड़ दिया था और वहां से रवाना हो गए थे। फिर करीब 7:00 से 7:15 बजे के बीच ट्रेन गोधरा स्टेशन पर पहुंची, तब वहां भी सभी कार सेवक अपने डिब्बों से बाहर आए और वहां स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान पर चाय नाश्ता करने लगे। वह दुकान दाढ़ी वाले किसी बूढ़े की थी जो एक मुसलमान था। ईमेल में लिखा था कि कार सेवकों ने उस बूढ़े से भी जानबूझकर बहस की, उसके बाद उस बूढ़े आदमी को पीटा और उसकी दाढ़ी खींच ली गई और कार सेवक नारा लगा रहे थे कि मंदिर निर्माण करो, बाबर की औलाद बाहर करो। हंगामा सुनकर स्टेशन पर मौजूद उस बुजुर्ग की बेटी वहां आ गई जिसकी उम्र 16 साल थी और उसने अपने पिता को कार सेवकों से बचाने की कोशिश की। वो लड़की उन कार सेवकों से विनती कर रही थी कि वो उसके पिता को छोड़ दें, लेकिन उन कार सेवकों ने उस लड़की की एक न सुनी। उसके बदले उस लड़की को ही उन्होंने उठा लिया और वो उसको S6 डब्बे में ले गए। वह बूढ़ा आदमी डब्बे को पीटता रहा, लेकिन उन कार सेवकों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा और ट्रेन वहां से चल पड़ी। ट्रेन वहां से निकल पाती उससे पहले ही दो गार्ड केबिन के आखिरी बोगी में चढ़ गए और लड़की को बचाने की नीयत से ट्रेन की चेन को खींच दी, जिससे ट्रेन वहां रुक गई। उसके बाद उन गार्ड ने उन कार सेवकों से उस लड़की को छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उस लड़की को नहीं छोड़ा।
यह हंगामा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और डिब्बे के पास जाकर लड़की को वापस लौटाने का अनुरोध करने लगे, लेकिन कार सेवकों ने लड़की को छोड़ने की बजाय दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। उसके बाद भीड़ भड़क गई और ट्रेन पर पथराव करना शुरू कर दिया। S6 के दोनों तरफ जो डब्बे थे उनमें विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उनके पास बांस के डंडे थे। वो लोग नीचे उतरकर लड़की को बचाने के लिए आई भीड़ को पीटने लगे। उसके बाद भीड़ का गुस्सा बेकाबू हो गया और उस भीड़ ने गैराज में खड़े ट्रकों और रिक्शों से पेट्रोल लाना शुरू कर दिया और डिब्बे को जला दिया। ईमेल में कहा गया कि वो पेट्रोल किसी पेट्रोल पंप से नहीं लाए थे, जैसा कि सब जगह बताया जा रहा है कि गोधरा का हादसा प्री प्लांटेड था, बल्कि ऐसा नहीं था, वह अचानक गुस्से का परिणाम था। उसके बाद उस ईमेल में यह भी कहा गया कि आग लगने के बाद कार सेवकों ने गैराज को जला दिया और एक मस्जिद में भी आग लगा दी। यह ईमेल दरअसल विश्वसनीय तथ्यों और सोर्सेज के हवाले से लिखे जाने का दावा किया जा रहा था। दावा किया गया था कि यह सब जानकारी PTI और ANI के पत्रकार अनिल सोनी और नीलम सोनी के हवाले से दी जा रही है। उस ईमेल में इन पत्रकारों के नाम और घर का एड्रेस भी दिया गया था। यह थ्योरी चारों ओर छपने लगी थी और आज तक इस कहानी को बुनाया जा रहा है और इसके आश्रय ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो कार सेवक तो पूरे रास्ते हुड़दंग करते आ रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप ही ये सब हुआ, वरना नहीं होता। गजब की बात यह है कि उन डब्बों में न जाने कितनी ही महिलाएं थी, तो एक लड़की को अगवा करके वहां रखा जा सकता था क्या, यह सवाल है। लेकिन इन सहज सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश नहीं की गई, बस मानकर ही चले थे कि ट्रेन में बैठे सब लोग राक्षस थे जिनकी महिलाएं भी उन कृत्यों में शामिल थी। इस कहानी को विदेशी अखबारों ने भी उस वक्त उड़ाया था और कार सेवकों के चरित्र हनन की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। द इंडिपेंडेंट में एक रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट में लगभग वही कहा गया था जो इस ईमेल में कहा गया था, लेकिन इतना और जोड़ दिया था कि वो कार सेवक नशे में धुत थे और वो उदंडता करते आ रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट के लेखक पीटर पोपम ने ये तो नहीं कहा कि वो बच्चे और महिलाएं भी क्या नशे में थी या नॉर्मल थी। लेकिन द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसको 22 मार्च को पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने भी कॉपी करके छापा था। गोधरा कांड के एक हफ्ते बाद ये ईमेल फैलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक महीने बाद यानी 25 मार्च 2002 को इस ईमेल का भंडा फोड़ हो जाता है। पत्रकार प्रेम शंकर झा आउटलुक पत्रिका में इसका खुलासा करते हैं। प्रेम शंकर झा गोधरा के पत्रकार अनिल सोनी को फोन करते हैं, क्योंकि अनिल सोनी के हवाले से ही इस ईमेल में ये सब लिखा गया था। अनिल सोनी ने इस प्रकार की किसी भी कहानी से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था और कहा कि जो भी इस ईमेल में लिखा गया है वह झूठ है, क्योंकि पूरी कहानी इसके उलट थी। कार सेवकों ने किसी भी तरह की बहस वहाँ नहीं की थी और न ही कोई स्टॉल तोड़ी थी। ट्रेन पर पूरा हमला पहले से तैयारी के साथ किया गया था, ऐसा ही अनिल के बेटे विमल ने कहा था। उस ईमेल में गोधरा स्टेशन पर पहुंचने का समय 7 से 7:15 बताया गया था, जो कि गलत था क्योंकि ट्रेन 7:40 के बाद पहुंची थी। आउटलुक में खुलासा करने वाले पत्रकार प्रेम शंकर झा जो हैं वो घोर भाजपा विरोधी और नरेंद्र मोदी विरोधी व्यक्ति थे, लेकिन उनके लेख में सारी हकीकत सामने आ गई कि यह सब कहानी झूठ थी। पहले तो इनको भी भरोसा हो गया था कि ये ईमेल सच है, लेकिन जब अनिल सोनी को फ़ोन करके वेरीफाई किया तो सरप्राइज रह गए। अगर अनिल को रिपोर्ट करते भी तो वह PTI में छपती, क्योंकि वो उसी में काम करते थे, किसी ईमेल में उनकी रिपोर्ट थोड़ी घूम रही होती। मज़ेदार बात है कि इसका खंडन सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ, कई अन्य जगहों ने भी इसका किया। वर्षा भोंसले ने 11 मार्च 2002 को यानी इस आउटलुक पत्रिका में छपने से पहले लिख दिया था कि उनको अनिल सोनी ने बताया कि वो ईमेल बिल्कुल फर्जी और बकवास है। जिस थ्योरी का 2002 में ही फैक्ट चेक हो गया था, उस कहानी को आज भी गाया जाता है और गोधरा की सच को धूमिल करने की भरसक कोशिश की जाती है। कार सेवकों पर 5 रुपये न देने के बदले बहस का आरोप लगाया गया, लड़की के अपहरण का लांछन लगाया गया, किसी बुजुर्ग की दाढ़ी खींचने का आरोप लगाया गया, नशे में धुत होकर लड़ाई करने का उनके बारे में कहा गया। सब कुछ कहा गया जो कहा जा सकता था, लेकिन सब झूठ धराशायी हो रहे थे, झूठ टिकने वाले नहीं थे। 2004 में केंद्र सरकार बदलती है, UPA की सरकार आ जाती है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया जाता है। लालू प्रसाद यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इस मामले की जांच के लिए अपॉइंट किया था। उन जज साहिबान का नाम था उमेश चंद्र बैनर्जी। बैनर्जी साहब ने सिर्फ 5-6 महीनों के बाद जनवरी 2005 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि ट्रेन के अंदर जो आग लगी थी वो दुर्घटनावश लगी थी। ट्रेन के अंदर आग भीतर से ही लगी थी, बल्कि बाहर से नहीं लगी थी, किसी ने लगाई नहीं थी।
उमेश चंद्र बनर्जी की फाइंडिंग्स गले नहीं उतरने वाली थी। उसके बाद गोधरा की उस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति नीलकंठ तुलसीदास भाटिया ने इस रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया। अक्टूबर 2006 में गुजरात हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला आया, जिसमें उमेश चंद्र बनर्जी की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये जाँच असंवैधानिक और अवैध है, जिसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। नानावटी शाह कमीशन जो गोधरा कांड की जाँच कर रहा था, उसने 6 वर्ष की जाँच में 40,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, 1,000 से भी ज़्यादा गवाहों के आधार पर 2008 में जाकर ये निष्कर्ष निकाला कि गोधरा कांड एक सुनियोजित यानी प्री प्लांटेड साजिश थी, जिसको साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इस कमीशन ने गोधरा के एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और नानू मियान को इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड माना, और यह खुलासा बहुत बड़ा था क्योंकि पहले जो रिपोर्ट आ चुकी थी उसके बिल्कुल विपरीत थी। इन लोगों ने घटना की एक रात पहले मीटिंग की थी। यह मीटिंग गोधरा स्टेशन के सामने बने गेस्ट हाउस में की गई थी, जिसका मालिक रजाक कुरकुर था। फिर वो नज़दीकी पेट्रोल पंप से 140 लीटर पेट्रोल लाकर उस गेस्ट हाउस में रखा। फॉरेंसिक जांच में ये पता चला कि ट्रेन पर जो पेट्रोल डाला गया था और जो गेस्ट हाउस में रखा गया था वो सेम थे, और इस कमीशन ने वो सारे आरोप खारिज कर दिए जो कार सेवकों पर लगाए गए थे कि उन्होंने किसी लड़की को उठा लिया था। और उसके बाद गोधरा कांड से जुड़ी जांचें शुरू हुई, आरोपियों को पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, अनेक लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ शुरू हो गई। फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 लोगों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालते हुए आदेश दिया कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश थी। 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो घटना से एक रात पहले मीटिंग में शामिल हुए थे, जहां साजिश रची गई थी और डब्बे के अंदर घुसे थे, जिन्होंने पेट्रोल डाला था और आग लगाई थी। जबकि 20 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिस मौलवी सईद उमर जी, जिन्हें SIT ने मुख्य साजिशकर्ता माना था, उसको सबूतों की कमी के कारण 62 अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया था। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी माना कि गोधरा कांड के पीछे प्री प्लांटेड साजिश थी, लेकिन इस फैसले में कोर्ट ने उन 11 लोगों की फांसी को टालकर आजीवन कारावास में बदल दिया, बाकी 20 लोगों की सजा को कायम रखा। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और रेलवे को मारे गए 59 हिंदुओं के परिवारों को 2002 के हिसाब से 10-10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। इस तरह इस मामले का अब तक का यह स्टेटस है। गोधरा कांड के बाद गुजरात में जमकर दंगे हुए थे और पूरा राज्य धू धू कर जलने लगा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 2002 के दंगों पर मैंने वीडियो बनाया था, जो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जबकि आज का यह जो वीडियो है, ये मूल रूप से गोधरा पर केंद्रित है। वह इसलिए क्योंकि इसके बाद हुए दंगों पर तो अनेक फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं और जमकर बवाल हुआ। पूरे गुजरात को बदनाम कर दिया गया, मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन गोधरा जो कि गुजरात दंगों का मूल था, उस मुद्दे को सिर्फ 2 लाइनों में समेटकर नकी कर दिया जाता है। लिबरल्स और इकोसिस्टम ने गोधरा कांड को कैसे जस्टिफाई किया और कैसे उसका दोष हिंदुओं पर मंढा, उसकी बानगी आपने सुनी ली। जांच रिपोर्ट में यह सब पता चल गया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, उसके बावजूद वो लोग झूठ फैलाते हैं। इन मुस्लिम पस्त इकोसिस्टम ने मुसलमानों के हर दंगे को यह कहकर जस्टिफाई किया है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की बात हो रही थी, इसलिए भाईजान भड़क गए और 150 हिंदुओं को मार दिया तो क्या हो गया। यह लोग यह कहने से भी नहीं चूक रहे कि गोधरा कांड तो भाजपा और मोदी के लिए जैसे मन मांगी मुराद थी, लेकिन यह लोग यह नहीं कह पाते कि आपकी भाईजान ये मुराद देते ही क्यों है, उसके भीतर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो मन मांगी मुराद देता फिरता है। क्या इसी तर्क पर यह कहा जा सकता है कि गोधरा के बाद जो गुजरात में हुआ वो इस इकोसिस्टम के लिए मन मांगी मुराद थी? ऐसे गोधरा के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ। 1928 से लेकर 2002 तक हिंदू विरोधी दंगों का इतिहास रहा है गोधरा का, जिसमें न जाने कितने ही हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा जिंदा जला दिया गया और उनके घरों को जला दिया गया। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। 2002 तो बहुत बाद की बात है, जो शायद सबसे क्रूर और निर्मम था, लेकिन पहले एक श्रृंखला है। इस वीडियो में गोधरा का वो सच बताया गया है जो शायद 22 सालों से हमारी आंखों के सामने से ओझल था, और हो सकता है कि वो सब कहानियां हमने भी सच मानी जो हमारे इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन जब सच की पड़ताल के लिए तह में उतरते हैं तो सच कुछ और है, जिस पर झूठ की सिल्ली चढ़ी हुई थी।
विक्रांत मेसी की इसी मुद्दे पर फिल्म आई है जिसको लेकर लोबी बड़ी दुखी है। यह खीज तब तब निकलेगी जब जब इन लोगों की सड़ांध से पर्दा हटाया जाएगा। इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए जिनके जहन में प्रोपेगेंडा का शीशा पिघला हुआ है, और इस वीडियो की रीच आपके हाथ में है क्योंकि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगा, प्रमोट करेगा। आपके हाथ में जो है वो कीजिए, मेरे हाथ में जो था, मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने बना दिया है। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप मुझे आर्थिक सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि ये इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।